ईशांत शर्मा ने फेंकी ऐसी खतरनाक यॉर्कर और धूल चाटने लगे आंद्रे रसेल। ईशांत शर्मा ने फेंकी आईपीएल की सबसे खतरनाक गेंद, रसेल हड़बड़ाकर जमीन पर गिरे। 20वें ओवर में ईशान की गेंद झेल नहीं पाए रसेल, पलक झपकते ही हो गया काम तमाम। जिस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने 18 छक्के लगा दिए, जिस मुकाबले में केकेआर के खिलाड़ी ने 22 चौके लगा दिए, जिस गेम में दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में 272 रन उठा दिए, उसी मैच में लोग दिल्ली के तेज गेंदबाज ईशान शर्मा को सलाम कर रहे हैं। ईशान शर्मा ने इस मैच में 3 ओवर में 43 रन लुटाए, लेकिन उनकी एक गेंद ने सनसनी मचा दी। ईशान शर्मा ने गेंद 20वें ओवर में फेंकी और इसे आईपीएल 2024 की सबसे खतरनाक गेंद कहा गया। अपने 17 साल के करियर में 199 इंटरनेशनल और 72 आईपीएल मैचों के दौरान ईशान शर्मा ने कभी ऐसी यॉर्कर नहीं फेंकी होगी जैसी 3 अप्रैल की रात आंद्रे रसेल के खिलाफ फेंकी। दिल्ली कैपिटल्स के 36 वर्षीय गेंदबाज के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स के खतरनाक बल्लेबाज आंद्रे रसेल धराशायी हो गए। बॉल इतनी सटीक थी कि रसेल असंतुलित होकर जमीन पर गिर पड़े। 18 गेंदों में 41 रन बनाकर तेजी से अर्धशतक की ओर बढ़ रहे रसेल जब दोबारा खड़े हुए तो वो भी ईशांत शर्मा की तारीफ करते दिखे। रसेल रिंकू की आतिशी पारी से पहले सुनील नरेन और अंगकृष रघुवंशी के अर्धशतक के चलते कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। ईशांत शर्मा ने गेंद आंद्रे रसेल को फेंकी। रसेल इस मैच में खूंखार नजर आ रही थी। उन्होंने 18 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 41 रन बना लिए थे, लेकिन फिर ईशान ने वो गेंद फेंकी जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। ईशान शर्मा ने रसेल को बेहतरीन यॉर्कर फेंकी। गेंद खेलते हुए रसेल पूरी तरह क्रैप हो गए और इस दौरान उनके विकेट उड़ गए। रसेल गेंद को खेलते हुए जमीन पर भी गिर गई। आपको बता दें कि रसेल को ईशान शर्मा की गेंद इतनी पसंद आई कि बोल्ड होने के बाद उन्होंने इनके लिए तालियां भी बजाई। ईशान किशन की उस जादुई गेंद की बात करें तो 215.78 की स्ट्राइक रेट से खेल रही आंद्रे रसेल 4 चौके और 3 छक्के लगा चुके थे। आखिरी ओवर में वो और विध्वंसक हो सकते थे, लेकिन पहली गेंद पर उनका काम तमाम हो गया। यॉर्कर लाइन की गेंद को वो डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन लाइन और पेस से चकमा खा गए। इस बीच बल्ले को बीट करती हुई गेंद सीधा स्टंप्स को जा लगी। 264 रन पर ये केकेआर को छठा झटका था। निसंदेह यह सीजन की बेस्ट बॉलों में से एक थी। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ओपनर सुनील नरेन ने 39 गेंदों में T20 करियर का सर्वश्रेष्ठ 85 रनों की पारी खेली। अपनी पहली आईपीएल पारी खेल रहे अंकृष रघुवंशी ने 27 गेंदों में 54 रन कूट डाले। 5वें नंबर पर आए कप्तान शरेश अय्यर ने 11 गेंदों में 18 रनों की पारी खेली तो 6 नंबर पर आए रिंकू सिंह ने सिर्फ 8 गेंदों में ही 26 रन का योगदान दे डाला। केकेआर सिर्फ 6 रन से चूक गई, वरना आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड हफ्ते भर के भीतर ही टूट जाता। दिल्ली कैपिटल्स को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 106 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 272 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली की टीम सिर्फ 166 रनों पर ढेर हो गई। कोलकाता ने इस बड़ी जीत के साथ ही अंक तालिका में पहला स्थान भी हासिल कर लिया। कोलकाता की टीम अब तक 3 ही मैच जीती है और उसने हर मोर्चे पर कमाल का प्रदर्शन किया है। तो आप भी ईशांत शर्मा की इस यॉर्कर गेंद पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।